तो इस एक्स को हटाने के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि आई इक्वल टू 0 से पाई, तो दिस विल बी पाई माइनस एक्स एंड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स माइनस होगा लेकिन स्क्वायर किया हुआ है, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स, ये साइन पॉजिटिव है तो नीचे में वही चीज रहेगा लेकिन ऊपर में क्या आ जाएगा 0 से पाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो पाई बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट आ गया, सो दिस पार्ट इज एक्चुअली योर आई, ये आई हो गया। तो इसका मतलब वी कैन राइट टू आई इक्वल टू, ये पाई इज ए कॉन्स्टेंट, पाई बाहर आ गया 0 से पाई 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू दैट विल बी पाई बाई टू, और इसको क्या किया जा सकता है, वी कैन सेक्स स्क्वायर एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। सामने एक तो पाई बाई टू है, इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहां पे क्या करते हैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, सच दैट इट बिकम्स यहां पे एक तो बाहर में बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, पाई बाई टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से करने से सुविधा होगा। नाउ टेन एक्स इक्वल टू टी, सच दैट सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी पाई बाई टू बी स्क्वायर। अच्छा, आप टेन एक्स इक्वल टू अगर टी लेते हैं तो टेन 0 विल बी 0 एंड टेन पाई विल बी 0, फिर से प्रॉब्लम हो गया। लेकिन तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब लिमिट क्या हो जा रहा है, टेन 0 0 टेन पाई 0, तो 0 से 0 लिमिट हो जा रहा है। तो क्या किया कर सकते हैं, इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि पाई माइनस दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है सेक्स स्क्वायर एक्स बाई दिस, ये क्या पाई माइनस करने से क्या फंक्शन चेंज हो जाता है, माइनस आ जाता है बाहर, नहीं आता है माइनस, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हम लोग टू को बाहर कर सकते हैं, टू को बाहर करके मतलब इसी स्टेप में हम लोग को करना चाहिए था कि एक तो टू को यहाँ पे बाहर करके यू कैन डू दिस पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल होके इट विल बी पाई बाई बी स्क्वायर। अब लेकिन लिमिट ले सकते हैं, अब 0 है तो टेन 0 का वैल्यू 0 और टेन पाई बाई टू विल बी इन्फिनिटी, सो दिस विल बी डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई बी स्क्वायर इंटू, अब ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉरवर्ड में आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए 1 बाई ए बाई बी, ये हो गया एंड टैन इनवर्स एक्स बाई ए।
ये लिमिट बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक टू बी कैंसिल हो गया, सो दिस गिव्स पाई बाई ए बी। अब यहाँ पे एक बार इन्फिनिटी बैठाएंगे तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी इज अगेन पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो दिस विल गिव यू आंसर पाई स्क्वायर बाई टू ए बी। दिस विल बी पाई बाई टू माइनस एक्स एंड साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। दैट इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, तो एक हम लोग का पाई बाई टू के साथ ये चीज आ जाएगा, तो पाई बाई टू एंड दिस विल बी डी एक्स बाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू एक्स एंड नीचे में मतलब माइनस आई आ जाएगा ये वाला, वाई इक्वल टू पाई बाई टू जीरो से पाई बाई टू डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दैट मीन्स आई इक्वल टू पाई बाई फोर दिस थिंग। यहाँ पर ही के लेकिन i इक्वल टू क्या चीज है वो लेकिन लिख लेना, नहीं तो क्या होगा नीचे करते करते प्रॉब्लम 2i का वैल्यू ही तुम निकाल दोगे। क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे कॉपी चेक किया हूँ, लड़का लोगों का सब ऐसे ही करता है, ऐसे ही मिस्टेक करता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक ना हो होना होना पाए, ठीक है, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, अच्छा ये दोनों का नीचे में वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे दोनों का वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रहता है, तो वो ऊपर चला गया और यहाँ पे बचेगा क्या, टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे देख रहे हैं एक तो माइनस आया है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो द थिंग विल बी लाइक दिस, पाई बाई फोर जीरो से पाई बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू विल बी सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो दिस विल बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू माइनस वन, तो माइनस बाहर लेने से इस टाइप का चीज आ गया, ठीक है। नाउ इसी जगह में हम लोग लेकिन चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टू टी, सो अगर टेन एक्स बाई टू को टी पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इन टू वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हम लोग को ये वाला स्लिप चाहिए, सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। तो एक तो हो गया, इसको हम लोग टू डी टी कर लिए, ओके। और यहाँ पे इसको टी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग का लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी तो चेंज होगा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर। अब देखो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे तो दिस विल बी जीरो, और पाई बाई टू अगर बैठाते हैं तो टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू होता है वन। तो सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स दिस विल बी टू डी टी, ये हो गया, ठीक है। लिमिट को चेंज कर लिए, लिमिट समझ में आया। यहाँ पे एक बार जीरो बैठा है, एक बार पाई बाई टू बैठा है, ठीक है। बाहर में पाई बाई फोर जैसा है वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब जो ये चीज आया है, ये टू को मैं बाहर कर दूंगा, अब इसको हम लोग को होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से वन एंड दिस कैन बी रिटन एज डी टी बाई
अब ये देखो, ये एक्चुअली टी माइनस वन का होल स्क्वायर, इट विल बी टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, प्लस वन को माइनस, प्लस वन को माइनस वन बनाना है ना, तो माइनस टू, ये चीज आ गया। तो ये तुम्हारा वो फॉर्मेट आ गया कि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मेट आ गया। माइनस फाइव बाई टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट टू का स्क्वायर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है वन बाई टू ए ln ए टू बाई वन बैठाएंगे तो वन माइनस वन, तो प्लस रूट टू। ओके, ये तो ऐसा आ गया माइनस ln, अगर जीरो बैठाते हैं तो जीरो माइनस वन माइनस, दैट मीन्स इट विल बी माइनस वन माइनस रूट टू बाई जीरो बैठाएंगे तो माइनस वन प्लस रूट टू, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये सही है, वन बाई टू है, हाँ ये सही है। माइनस पाई बाई फोर रूट टू, ये तो एल एन ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस वन, तो एल एन वन बनेगा, ठीक है, माइनस एल एन। अच्छा देखो, इस टाइप का केस जब आएगा तो कोशिश करना है कि इसके अंदर से माइनस जो है, जैसे इसको रूट टू प्लस वन लिख सकते हैं, और इससे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे माइनस नहीं, कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट इट रूट टू माइनस वन, ये रूट टू माइनस वन। ओके, अब ये जो माइनस आया है मॉडुलस के अंदर में, लेकिन अगर दोनों जगह माइनस आता तो कैंसिल हो जाता, हाँ, वो चीज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ये जो माइनस है, ये माइनस लेकिन मॉडुलस में है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी, ये माइनस गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी, ये जीरो हो गया, लॉग लॉग वन का वैल्यू जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाई फोर रूट टू एल एन, और इसमें मॉडुलस है तो दिस विल बी रूट टू प्लस वन बाई, अब इसमें मॉडुलस लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस सी नहीं, बस ये हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इनटू ये तो कर ही सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए रूट के अंदर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू जीरो माइनस ए से ए, एंड दिस विल गिव यू ए माइनस एक्स बाई नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसको अगर दो हिस्से में हम लोग इसको टूटा लेते हैं तो दिस विल बी एक तो ए इंटू माइनस ए से ए डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस ए से ए एक्स बाई इस जगह में, लेकिन पता नहीं चल रहा था इवेन है कि ऑड है, ना तो इवेन है ना ऑड है, इस टाइप का आया। तो इस तरह से कर लेने के बाद हम लोग को नजर में आ रहा है कि अब ये दो फंक्शन में जब टूट गया तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो है दिस इज इवेन फंक्शन है ना, माइनस ए से ए, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, माइनस एक्स देने से भी सेम रहेगा, वेर एज ये वाला जो है यहाँ पे एक टू एक्स है, दैट मीन्स दिस वन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो एक्स है, ये एक बार प्लस एक्स बैठाने से पॉजिटिव आएगा, माइनस एक्स बैठाने से नेगेटिव आएगा। सो ये जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज ऑड फंक्शन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या, ओनली दिस वन। ओके, तो अच्छा प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम अच्छा है।
दिस वन इज इवन एंड दिस वन इज ऑड, तो जो ऑड है माइनस ए से ए ऑड फंक्शन उसका वैल्यू हो गया जीरो। टू ए जीरो से ए, इसको जीरो से कर सकते हैं एंड दिस इज डी एक्स बाई रूट अंडर ठीक है भूल गए तो लेकिन गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए दैट इज इक्वल टू टू ए इंटू ए बैठाएंगे तो साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन का मतलब हो गया पाई बाई टू माइनस जीरो बैठाएंगे तो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई ए बना सकते हैं। सो वन कर्व इज फॉर एक्स, तो दिस इज द कर्व फॉर एक्स, तो सपोज दिस वन इज जीरो, दिस पॉइंट इज माइनस वन एंड दिस पॉइंट इज वन एंड दिस पॉइंट इज थ्री बाई टू, तो सिर्फ एक्स का अगर वैल्यू लेंगे तो ये माइनस वन से जीरो तक इट विल बी नेगेटिव और जीरो के बाद से ये यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअली एक्स। ये एक्स का इस तरह से बना लिए ठीक है, मतलब यहाँ पे साइन पाई एक्स के जगह में दे में गिव कॉस पाई एक्स इस तरह का दे सकता है ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से करने से ज़्यादा सुविधा है। व्हिच विल बी द कर्व ऑफ साइन पाई एक्स, तो ये कर्व कहाँ से शुरू होगा माइनस पाई से है ना, क्योंकि माइनस वन है तो माइनस वन इंटू पाई तो दैट इज माइनस पाई और जाएगा कहाँ पे थ्री बाई टू पाई तक, तो इसका मतलब हम लोग को माइनस पाई से जीरो, देखो वन के साथ सिर्फ मैं पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस वन इंटू पाई माइनस पाई जीरो इंटू पाई दैट इज जीरो, वन इंटू पाई दैट इज पाई एंड थ्री बाई टू इंटू पाई दैट इज थ्री पाई बाई टू, ये हो गया। अब साइन का कार्व, साइन का कार्व हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, साइन का कार्व कैसे होता है, जीरो से पाई बाई टू पॉजिटिव फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे तो हम लोग को सिर्फ पाई तक चाहिए, सो दिस इज द कर्व ऑफ साइन एक्स, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो मेरा एक्स का एक तो लाइन बन गया एंड दिस इज ऑफ साइन पाई एक्स का, इसका मतलब क्या आ रहा है कि माइनस वन से प्लस वन तक, देखो माइनस वन में ये भी नेगेटिव दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव और प्लस जीरो से वन तक ये भी पॉजिटिव ये दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सो एज ए होल हम लोग बोल सकते हैं माइनस वन से प्लस वन तक दिस फंक्शन विल बी पॉजिटिव, लेकिन पाई से मतलब वन से थ्री बाई टू, वन से थ्री बाई टू लेकिन एक्स विल बी पॉजिटिव बट साइन पाई एक्स विल बी नेगेटिव, इसका मतलब अभी ये दोनों का अगर प्रोडक्ट होगा वन से थ्री बाई टू तक तो दिस विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, उस जगह में हम लोग को माइनस करके खोलना पड़ेगा, माइनस वन से वन तक दिस विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ऐसे ही खोलेंगे, लेकिन वन से लेके थ्री बाई टू तक दिस फंक्शन इज नेगेटिव तो इसको माइनस करके खोलना पड़ेगा, सो माइनस ऑफ अब देखो ये वाला जो फंक्शन है एक्स साइन पाई एक्स, इसको देखना है कि ये इवन है कि ऑड फंक्शन है, ये चीज तो देखना है ना, तो इस फंक्शन में अगर माइनस एक्स बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस एक्स एंड साइन माइनस पाई एक्स, तो साइन माइनस पाई एक्स मीन्स ये माइनस साइन के अंदर में माइनस बाहर आएगा और ये माइनस के साथ ऐड हो गए मल्टीप्लाई होके दिस विल बी एक्स साइन पाई एक्स विच इज इक्वल टू
एफ एक्स, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। तो ये अगर इवन फंक्शन हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जीरो से वन टू सामने कर सकते हैं, से वन माइनस ये ऐसे रहेगा ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, एक साइन पाई एक्स इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब एक्स को ग्रेजुअली हम लोग को नष्ट करना है, तो मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे ठीक है। तो साइन पाई एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई इन टू एक्स विल बी एज इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज बैठा दिए माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बी वन डीएक्स। तो ये जीरो से वन ये चीज बैठेगा एंड माइनस ऑफ, अगेन इसका तो सेम चीज ही आएगा बट दिस विल बी वन से थ्री बाई टू। इस तरह से दो ठो पार्ट में इसको टूटा लिए, कॉस पाई एक्स बाई पाई एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई पाई। तो एक पार्ट में जीरो से वन एंड माइनस, दूसरा पार्ट में यही चीज आएगा इसमें होगा वन से थ्री बाई टू। एक तो पाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी, एक तो पाई है और एक तो पाई, इसके नीचे एक तो पाई स्क्वायर आएगा, ये ऐसे रहेगा लेकिन इसके नीचे एक तो पाई स्क्वायर आएगा। ओके फिर देखते हैं वन बैठने से यहाँ पे ये होगा आंसर थ्री पाई प्लस वन बाई पाई स्क्वायर। तो लिमिट तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे और ये जो टेन एक्स है इसको ऐसे कर देंगे दिस विल बी रूट कॉस एक्स बाई लेकिन ये दोनों को ऐड करने से अगेन दिस विल गिव यू पाई बाई टू ठीक है, दोनों को ऐड करने से पाई बाई टू, इसका मतलब दिस इज वन आई अगेन आई इक्वल टू वी कैन राइट ऐसे थोड़ा लिखना पड़ेगा ठीक है। पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री दिस विल बी रूट अंडर साइन एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू एक्चुअली पाई बाई टू होता है। मैं तुम लोग को बोला इसमें 99.99% प्रॉब्लम वही है और बाकी जो 0.1% है वो तुमको देगा नहीं ठीक है, तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक तो आई ये आ गया, तो दोनों आई को अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी वन है, तो दिस विल गिव यू पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री और दोनों ऊपर में दोनों मतलब साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स नीचे में भी रूट साइन एक्स प्लस, तो वो कैंसिल होकर दिस विल बी ओनली डी एक्स। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिट अलग होने के लिए, लिमिट अलग होने के चलते में दिस विल बी पाई बाई थ्री माइनस
वो जीरो से पाई बाई टू था, दैट्स वाई सी पाई बाई टू बैठता था, यहाँ पे पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स बैठेगा। तो कैन यू से दिस वेदर दिस इज इवन और ऑड? देखो ln x by y इक्वल टू माइनस ln y by x होता है। हाँ मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y by x टू द पावर माइनस वन। अब log का प्रॉपर्टी क्या है, माइनस सामने आ जाता है तो दैट बिकम्स माइनस ln वाई बाई एक्स। अगर एल एन एक्स बाई वाई है उसको माइनस एल एन वाई बाई एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऊपर का चीज को अगर नीचे करना चाहते हैं तो सामने एक तो माइनस आ गया, सो दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। इट इज एक्चुअली ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो यू नो सर आंसर इज जीरो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री से फोर, इस जगह में लिख सकते हैं थ्री प्लस फोर माइनस एक्स, इस एक्स के जगह में भी थ्री प्लस फोर माइनस एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस एक्स। तो ए प्लस बी माइनस एक्स की, तो ये तो हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल से फोर, ऊपर में आ जाएगा सेवन माइनस एक्स का ग्रेटर इंटीजर, नीचे में यहाँ पे सेवन माइनस एक्स का ग्रेटर इंटीजर, और यहाँ पे सेवन माइनस सेवन प्लस एक्स, तो दिस विल बी नाउ दिस इज आल्सो इक्वल टू आई। अब अगर ये वाला आई जो गिवेन आई है और ये वाला आई जो आया है दोनों का अगर ऐड करते हैं तो नीचे में डिनोमिनेटर सेम चीज है और ऊपर में ऐड करेंगे तो अगेन दैट मीन्स ऊपर नीचे जो टर्म है दिस विल बी कैंसल्ड, तो दिस विल बी ओनली डीएक्स। इक्वल टू वन, आई का वैल्यू होगा हाफ।